गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू एक्सरसाइज 10.4 चैप्टर 10 वी आर टॉकिंग अबाउट। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इन फर्स्ट क्वेश्चन यू वांट टू, देखिए इसमें आपको बताना है एएसए रूल, एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में बताऊंगा। एएसए रूल मींस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड मींस दो एंगल के बीच की साइड। सपोज ये ट्रायंगल दो है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो वी विल से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। व्हाई? बिकॉज़ टू एंगल्स, टू करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो वी विल से दैट बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू वॉन्ट टू एस्टेब्लिश, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF वी आर टॉकिंग अबाउट, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल MNP। What is given? Angle D is given to equal to angle M and angle F is given equal to angle P. आपको और कौन सी information चाहिए है कि ये triangle हो जाए congruent by ASA rule? देखिए, ASA means two angles and the included side, इन दोनों angle के बीच की side equal होनी चाहिए। दो angle ये equal है, इसका मतलब इसकी साइड ये वाली इक्वल होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, देन वी विल इजीली प्रूव, वी कैन इजीली प्रूव दैट ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNP बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल्स। सो व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीडेड, यू हैव टू राइट, वी नीड DF इज इक्वल टू MP टू मेक ट्रेंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल MNP बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इज इट ओके? ओनली दिस इंफॉर्मेशन वी नीड। नाउ दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number two is you want to show that triangle ART, ART. First we'll draw a figure, ART. Is it okay? Now triangle PEN, it means PEN, PEN. It is given that AT is equal to PN. This side is given is equal to this side. You have to prove these two triangles congruent by ASA congruence rule. It means what else you need? You need angle A must be equal to angle P, angle A must be equal to angle P, and angle T must be equal to angle N. Then only you can prove these two triangles congruent by ASA rule, congruence rule. देखिए आपको साइड इक्वल दी हुई है, तो ASA रूल का मतलब साइड के इधर भी एंगल और इधर भी एंगल, साइड के इस तरफ एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, देन ओनली वी कैन प्रूव दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इज इट ओके? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज गिवन, एंगल ट्रायंगल PQR, पहले ट्रायंगल लिखिए PQR, फर्स्ट विल ड्रॉ अ ट्रायंगल, नाउ DEF,
डी ई एफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल आर 80 डिग्री एंड क्यू पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली एंगल डी 60 डिग्री, एंगल एफ 80 डिग्री एंड डी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. यू हैव टू टेल वेदर दीज टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल और नॉट. देखिए इस ट्रेंगल में तो वी आर हैविंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, बट इन दिस ट्रेंगल वी आर नॉट हैविंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, क्योंकि इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड मतलब बीच वाली साइड ये वाली होगी और दी कौन सी हुई है हमें पी क्यू. इट मीन्स ट्रेंगल पी क्यू आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी ई एफ. इज इट ओके? ओके. नाउ दिस वॉज ए पार्ट, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू बी पार्ट. बी पार्ट, इन बी पार्ट व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग, फर्स्ट draw the figure again same P Q R and D E and F. Angle Q is given 60 degree, write down 60 degree. Angle R is given 80 degree, write down 80 degree. And Q R is given 5 centimeter. Similarly D दिया हुआ है 60 degree, F दिया हुआ है 80 डिग्री और डी एफ दिया हुआ है 6 और 5. दिस इज ऑल्सो गिवन 5 सेंटीमीटर. देखिए दो एंगल्स इस ट्रेंगल में और इनके बीच की साइड, और इस ट्रेंगल में भी दो एंगल्स और इनके बीच की साइड इक्वल है. सो वी विल से दैट यस ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल. अब कौन सा ट्रेंगल लिखोगे? देखिए आपने P लिया, यानी इन दोनों जहां पे एंगल नहीं था वो लिया, तो यहां पे आप लीजिए E. P के बाद 60 डिग्री एंगल लिया तो D लीजिए और बाद में F लीजिए बाई ए एस ए. C part you have to, this was B part and C part is also there and you have to do it in the same way. Okay, good. Now I am explaining you question number 4. Dekhiye question number 4 dekhiye. In question number 4 फिगर दिया हुआ है आपको ऐसा ए बी सी डी ओ 75 40 1.8 सेंटीमीटर, सिमिलरली 1.8 सेंटीमीटर 40 एंड 75 डिग्री. You have to prove that whether these two triangles are congruent by ASA. ASA means side included between two angles. दो एंगल के बीच की साइड इस ट्रेंगल में है नहीं है, क्योंकि ये बीच की साइड ये वाली है और हमें दी हुई है ये वाली. Similarly, in this triangle also, we are having two angles दिए हुए हैं. Measurement of two angles are given and one side is given which is not included between two angles. दो एंगल के बीच की साइड नहीं है. So we will write no triangle AOC is not congruent to triangle BOD by ASA. ASA से congruent नहीं है ये. ओके, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आप देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, इन फिफ्थ क्वेश्चन फिगर इज लाइक दिस, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, दिस इज गिवन ए बी सी एंड दिस इज गिवन डी। देखिए आपको दिया हुआ है कि ये एंगल इसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का गिवन है, गिवन ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर है, इट मींस ए डी इज डिवाइडिंग एंगल ए इंटू टू इक्वल पार्ट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली व्हाट एल्स इज गिवन, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इट मींस ये एंगल 90 डिग्री है। आपको बताना है कि ये ट्रायंगल इन, जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वो लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दो ट्रायंगल में यू हैव टू प्रूव वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एएसए और नॉट। देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, दिस एंगल, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल सी ए डी। नाउ आफ्टर एंगल साइड ए डी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल, ए डी ए डी बी में भी है और ए डी ए डी सी में भी है, सो वी विल राइट ए डी इज इक्वल टू ए डी इन, दिस इज गिवन एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी बिकॉज दिस इज अ कॉमन साइड, वी विल राइट कॉमन। नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन 90 डिग्री, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, इन ब्रैकेट वी विल राइट ईच 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एंगल साइड एंगल, इट मीन्स बी डी मस्ट बी इक्वल टू सी डी, बी डी मस्ट बी इक्वल टू सी डी, वाई, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी, इन ब्रैकेट वी विल राइट सी पी सी टी। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू अर्लियर क्वेश्चन, यू हैव टू अप्लाई only ASA congruence rule. So this exercise is completed now. So that's all for today. Thank you.